राजकीय राजऋषि महाविद्यालय में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य हुकुम चंद ने बताया कि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जो महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 26 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस है, इसी दिन को चुनते हुए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मुख्य अतिथि मत्स्य यूनिवर्सिटी कुलपति जेपी यादव रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से पहले महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया जाएगा और मातृशक्ति का दीप जलाकर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि 2 दिन तक चलाया जाएगा। एक वर्ष मुझे इस महाविद्यालय में हुआ है, 5 जनवरी को मैंने इसमें ज्वाइन किया था और ये मेरा सौभाग्य है कि आयुक्तालय राजस्थान ने 3 ज्ञान गंगा कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय को सौंप दिए और ये वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित विभाग में दिए गए, जो 7-7 दिन के थे और इनको राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। तीनों को बखूबी महाविद्यालय प्रशासन ने इनको अंजाम दिया और इसके बाद कोविड का प्रभाव आने लगा, तब से ही ये महाविद्यालय और इसकी फैकल्टीज, यहाँ सभी वैज्ञानिक लोग हैं, विद्वान और विदुषियां हैं, अपना अच्छे से शिक्षण कार्य करते हैं। तो इस कोविड काल में हमने भी कुछ सोचा कि कोविड पर कुछ किया जाए, तो ऑनलाइन व्याख्यान जैसे हमने दिया इस पर और एक राष्ट्रीय वेबिनार विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने 5 जून 2021 को रखा, जिसमें मुख्य वक्ता डीएफओ अपूर्वा श्रीवास्तव जी थे, अध्यक्षता मैंने की थी। एक राष्ट्रीय सेमिनार हमने पिछले वर्ष इस पर किया था और फिर राष्ट्रीय सेमिनार कोविड इफेक्ट ब्लैक फंगस पर 21 को हमने किया। फिर इसी श्रृंखला में जो कॉलेज का जो मेन परिसर है हमारा, जहां अध्ययन अध्यापन बिल्डिंग बिल्डअप एरिया है, इसमें ग्रीन ऑडिट का काम हमने कराया और फिर इसी प्रकार से भौतिक शास्त्र जो विभाग है हमारे यहां का कॉलेज का, उसने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस 29 और 30 अक्टूबर को की, जिसकी रिसेंट एडवांस इन फिजिक्स 2021 मेरे ही सानिध्य में हुआ था और फिर 91वां स्थापना दिवस हमने मनाया और फिर प्राणी शास्त्र विभाग जो है जूलॉजी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वर्चुअल हमने किया 15 से 18 दिसंबर तक, जिसमें पर्यावरण और सतत विकास के बहुविषयक पहलुओं पर किया गया, यानी पर्यावरण पर हमने ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हमने किया। 1600 पंजीकरण हमको इसमें मिले, 23 देशों ने इसमें भाग लिया, 300 पत्र वाचन इसमें हुए। ये कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूंगा कि यहां से हमने 15 से 18 दिसंबर को 4 दिवसीय पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें 23 देशों के प्रतिनिधि जुड़े। इसके बाद एनर्जी ऑडिट का कार्य भी हमने किया और फिर ISTTP फर्स्ट हमने यहां किया। ISTTP फर्स्ट इस तरह के 10 प्रोग्राम हम कर रहे हैं जूलॉजी विभाग, प्रोफेसर ममता शर्मा जो इसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, 10 ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है, 7-7 दिन के होते हैं, जिसमें 2 हम कर चुके हैं। पहला हमने किया था 22 से 28 मार्च 2022 को, है ना, और इसमें 2700 रजिस्ट्रेशन मिले, 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 34 सेशन हुए और 6 देशों के की नोट स्पीकर इसमें शिरकत की और 4754 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम पहला हमने 22 से 28 मार्च से किया, तो मैं समझता हूं कि 32 देशों के प्रतिनिधि ये जानने लग गए कि अलवर कहाँ है, राजऋषि कॉलेज क्या है, राजस्थान कहाँ है, ये अलवर और कॉलेज के लिए गर्व की बात है। इसके बाद ISTTP सेकेंड हमने किया, वही अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 20 से 26 अप्रैल 2022 को किया है
इसमें इम्पैक्ट एंड पेनिसिया ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वही पर्यावरण पर ही है। दसों जो हमारे सेमिनार होंगे अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें हम दो कर चुके हैं, दसों के दस पर्यावरण को समर्पित हैं। ये 20 से 26 अप्रैल को हमने किया और इसमें खुशी की बात कि 33 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सातों महाद्वीपों के जितने देश हैं, मतलब सातों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व इस हमारी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हुआ। तो ये अलवर के लिए, इस महाविद्यालय के लिए, मेरे परिवार के लिए, महाविद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है कि ये विश्व के पटल पर आपका महाविद्यालय, आपका शहर का महाविद्यालय आया है। और अब खुशी की बात है कि आगामी 5 अक्टूबर क्या है जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आ रहा है। इस पर फिर हमने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस फिक्स कर दी है, प्रचार प्रसार कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। 2600 रजिस्ट्रेशन हमको आज तक प्राप्त हो चुके हैं। 5 तारीख को चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है इसलिए हमने इस डेट को चुना है। और राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर जेपी यादव साहब इसके चीफ गेस्ट होंगे, है ना, उनके मुख्य आतिथ्य में हम इसका शुभारंभ 11 बजे करेंगे। उससे पहले कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया जाएगा, उसके बाद मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जाएगा जो 2 दिन तक चलेगा। इसके बाद 24 से 30 जून को तीसरा ISTTP, जो मैं कह रहा हूं 10 की जो श्रृंखला है दो हम कर चुके, तीसरा 24 से 30 जून तक इसी महाविद्यालय में हम आयोजित कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स हम आपको बाद में देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यावरण के प्रति जो आज विश्व को इसकी महती आवश्यकता है, हमारा महाविद्यालय सजग है, विद्वान और विदुषी प्रोफेसर साहेबान इस पर काम कर रहे हैं और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस महाविद्यालय को पहचान दिला रहे हैं। उन सभी के प्रति मैं आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।